मटिया को निकाल लो, मटिया लाइव है ना, निकाल आधा घंटा में ऐसे निकले वाला है। अकेले आप लोग यहाँ डीएम को ज्ञापन देने आए हैं क्या? जी, जी हम लोग आए हैं माँ वैष्णो पैरा मेडिकल कॉलेज से, और हमें वहाँ बोला गया था कि हम एनम के लिए आए थे कि हमें एनम की ट्रेनिंग चाहिए, तो वो बोले ठीक है, एडमिशन तो कर लिए, पैसा भी ले लिए हम लोगों का। उसके बाद जब हम लोग बोले कि सर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, तो वो बोले कि हाँ ठीक है नंबर दे देंगे। मांगते मांगते एक साल बीत गया, तो हम लोग पूछे आपका मतलब रजिस्ट्रेशन कहाँ से, तो वो बोले कि श्री पैरा मेडिकल कॉलेज नोएडा से। तो फिर हम लोग वहाँ पता लगाए, तो वहाँ भी बोले कि नहीं, यहाँ से कोई ऐसे पैरा मेडिकल कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो फिर हम लोग पेपर ऊपर दिए, उसके बाद हम लोग को जब मार्कशीट मिला तो हम लोग को एक्जिलरी का चाहिए था, और ये हमको असिस्टेंट का दिए, और वो भी मार्कशीट फर्जी था। जब हम लोग उसको नेट पे डाले तो वो सो ही नहीं कर रहा था। इसमें हम लोगों का साल तो बर्बाद ही हुआ, हम लोगों का 60,000 रुपया भी गया, और सारे बच्चे इसी में बजे हुए हैं। हाँ हम लोग वहाँ बोले तो बोलने पे वो गाली गलौज कर रहा है, बोल रहा है कि जो तुमको करना हो कर लो, देखते हैं हमारा कौन क्या बिगाड़ पाएगा। धमकी देते हैं? हाँ धमकी देते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। कितने गार्जियन आए उनको भी गाली दिए। हाँ सी एम ओ से हम लोग किए थे, तो डिप्टी सी एम ओ आए थे तो बोले कि 3 दिन का उनको समय दिए थे, पर वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। क्या नाम है आपको? हमारा नाम रेशु चंद्र। कौन सा कोर्स है? एनम। वो लड़कियों की शिकायत IGRS पे शिकायत थी, उस शिकायत के बेस पर मैं माँ वैष्णो पैरामेडिकल कॉलेज जो अब जहाँ चल रहा है ये मुड़ावा नगर में, मैं वहाँ पे गया था, और वहाँ उनके अभिलेख तो मुझे मिले नहीं, लेकिन मैं 3 दिन का टाइम दिया था, वो लोग मुझे अभिलेख ला के दे दिए हैं, कल ही अभी दिए हैं। उसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का लेटर तो है, लेकिन UP गवर्नमेंट का कोई लेटर नहीं है। तो अभी ये जांच मैं अभी करूंगा, मैं अभी इसके बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इसमें जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया, क्या इस कॉलेज का नाम उसमें है माँ वैष्णो देवी का? नहीं, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो पेपर उन्होंने दिया उसमें माँ वैष्णो का कॉलेज का नाम कहीं नहीं है। तो इसका मतलब कहीं इसका नहीं मतलब मुझे लग रहा है कि वो भी फर्जी ही है। मतलब जिस तरीके से उनको जो मार्कशीट दिया, जो उसका क्या यूपी गवर्नमेंट में मार्कशीट, उसको जो लड़की फर्स्ट ईयर जो उसका एनएम वाला जो पास करी, उस मार्कशीट को लेकर के मेडिकल काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में की पता करने गई थी कि ये कॉलेज सही है कि फर्जी है और हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो वहाँ बताया गया कि ये कॉलेज हमारे उसमें नहीं है, लिस्ट में नहीं है, हमारा रिकॉग्नाइज नहीं है, और रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ नहीं होगा। क्या वो फर्जी माना जाएगा वो मार्कशीट? बिल्कुल वो फर्जी माना जाएगा। जब वो उस बेस पे उसका रजिस्ट्रेशन वहाँ मेडिकल काउंसिल उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, तो वो मार्कशीट फर्जी है वो सर। उसी